हेलो दोस्तों, मैं संदीप डिकोडिंग नेट जेआरएफ से, और आज हम लोग बात करेंगे फासिज्म की, जिसे हम फासीवादी व्यवस्था भी बोलते हैं, और जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से शुरू हुआ, क्या क्या बातें हैं इसमें, और आज के समय में क्या इम्पोर्टेंस है इस कॉन्सेप्ट का। तो देखने की कोशिश करेंगे कि फासीवादी जो व्यवस्था है या विचारधारा है, ये 20वीं सदी में आया है। खासतौर पर हिटलर और मुसोलिनी का जो सिस्टम था जर्मनी और इटली में, वहाँ से निकल के आता है, और ये मॉडर्निटी के खिलाफ एक रिवोल्ट माना जाता है। मॉडर्निटी जो व्यक्तित्ववाद को प्रमोट कर रही थी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी को प्रमोट कर रही थी, उसके अगेंस्ट ये लोग आर्ग्यू करते हैं कि ऑर्डर होना चाहिए, अथॉरिटी होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। ये एक हॉच पॉच आइडियोलॉजी है, जैसे आप सोशलिज्म या लिबरलिज्म में देखते हैं, कुछ बेसिक बातें आपको लग जाती हैं कि ये मैंने देख लिया तो ये व्यवस्था है। ये काफ़ी हॉच पॉच है क्योंकि हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, एक सिस्टम से हम लोगों ने लिया है इसको। अल्ट्रा नेशनलिज्म प्रमोट करता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के खिलाफ है, ये कुछ बेसिक बातें हैं इसकी। फिर अब इन्फ्लुएंस में देखते हैं, प्लेटो ने फिलोसोफर किंग का कॉन्सेप्ट दिया, मैकियावेली ने एथिक्स और पॉलिटिक्स को सेपरेट किया, सॉरेल ने वायलेंस के इंपॉर्टेंस की बात करी, नीचे ने सुपर ह्यूमन का कॉन्सेप्ट दिया। तो इन लोगों का प्रभाव पड़ा इस विचारधारा को बनाने में फिलोसफी लेवल पे। फिर कौन से फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल जो इस चीज़ को बढ़ावा देने में खासतौर पर जर्मनी और इटली में रहे हैं, उनमें से एक है कि जो यूरोप की बहुत सारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वो फेल कर गई थी, तो लोगों को लगा कि अब दूसरा सिस्टम कौन सा होना चाहिए, तो उन्होंने एक स्टेबिलिटी वाला मॉडल चुनने की कोशिश करी, वो एक कारण है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मिडिल क्लास की हालत बहुत खराब हो गई थी, तो उन लोगों ने एक अपना जो जोर लगाया किसी व्यवस्था को बनाने में, तो इसको एक्सट्रीमिज्म ऑफ सेंटर भी बोलते हैं लोग। फिर रशियन रिवोल्यूशन की वजह से कैपिटलिस्ट क्लास डर गया था, तो उन्होंने ऐसा व्यवस्था करने की कोशिश करी जहाँ पे ये रिवोल्यूशन ना हो पाए। फिर 1930 का इकोनॉमिक क्राइसिस भी कारण है, वर्ल्ड वॉर 2 बहुत बार जो करने के लिए गया था या इंटरनेशनल जो सिचुएशंस थी उनको सॉल्व नहीं कर पाया, जर्मनी के ऊपर बहुत ज़्यादा लोन लाद दिया गया, कंडीशन ख़राब कर दी गई, वो भी एक कारण है। इरिक फ्रॉम ने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया है फियर ऑफ फ्रीडम में, उनका कहना है कि जो मॉडर्निटी जिस फ्रीडम को प्रमोट करती है, जिस विचारधारा को प्रमोट करती है, वो जो फ्रीडम प्रमोट करती है वो बहुत ही इनसिक्योरिटी लाती है, इंसान अकेला अकेला फील करता है, तो वो कहीं ना कहीं एक मजबूत इंसान की तरफ जाने की कोशिश करता है। फिर अब सेंट्रल जो थीम है, इंपॉर्टेंट थीम है, उनको जानने की कोशिश करते हैं। पहला है एंटी रेशनलिज्म, कहीं ना कहीं जो इनलाइटनमेंट थ्योरी है कि आप मॉडर्निटी प्रमोट करती है कि आप रेशनल बनेंगे, उसके खिलाफ ही आर्ग्यू करते हैं। इनका जो मूवमेंट है वो ये है कि इंटेलेक्चुअल्स गलत हैं, काम करना चाहिए, और इंटेलेक्चुअल्स के खिलाफ आर्ग्यू करते हैं। एंटी फिलोसफी है, इनको लगता है कि फिलोसफी में बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, थोड़ा साइंटिफिक तरीके में आना चाहिए, और ये यूनिवर्सल जो रीज़न है उसको बोलते हैं कि वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ये स्ट्रगल की बात करते हैं, इनको लगता है कि सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट है, जो चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर के उससे आया है, उनकी बुक्स भी आप याद रखेंगे। स्पेंसर ने नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट की बात करी सिंपल सेंस में भी। फिर जो नाजी कॉन्सेप्ट था रेस वाला, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा वही सर्वाइव करेगा, बाकी सब पीछे छूट जाएंगे या मर जाएंगे। फिर ये लीडरशिप और इलिटिज्म में इनका कॉन्सेप्ट है, इनको लगता है कि सभी लोग बराबर नहीं है, कुछ लोग लीडर पैदा ही होते हैं और वो सुपर ह्यूमन होते हैं, वही लोग ये लीडरशिप स्किल उनमें होती है और वही लोग लीडरशिप कर सकते हैं। फिर ये करिश्मेटिक अथॉरिटी पे यकीन करते हैं, और जो निश्चय का सुपर ह्यूमन का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे अप्लाई होता है, मतलब ये नहीं मानते कि सभी लोग इक्वल है, इनको लगता है कि कुछ लोग नेचुरली ही लीडर बनने के लिए पैदा होते हैं, और थोड़ा इलिटिस्ट कॉन्सेप्ट है ये। फिर सोशलिज्म की बात करते हैं, हालांकि ये लोग सोशलिज्म या रिवोल्यूशन के खिलाफ थे, लेकिन तब भी सोशलिज्म के बहुत सारे कॉन्सेप्ट इनके अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मिडिल क्लास जो था वो इससे जुड़ा हुआ था। सोशलिज्म के नाम पे इन्होंने कलेक्टिविज्म का प्रमोट किया, ये नहीं बोला कि हम लोग सब रिवोल्यूशन होगी, इनका कहना था सब लोग कलेक्टिव काम करेंगे, और इकोनॉमिक पॉलिसीज जो इन्होंने बनाई थी कैपिटलिज्म को रेगुलेट करने के लिए, उसकी वजह से भी इनपे सोशलिज्म का इन्फ्लुएंस देख सकते हैं। फिर अल्ट्रा नेशनलिज्म है, अल्ट्रा नेशनल मतलब जहाँ पे आप अपने नेशन के प्यार में इतने ज़्यादा अंधे हो जाते हैं कि आप ध्यान नहीं देते बेसिक बातों का, या बेसिक लिबरल फिलोसफी का ध्यान नहीं देते, वो जर्मनी में जो प्रमोट हुआ था, और वो मिलिटेंट नेशनलिज्म है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर फासिज्म और स्टेट के बीच में जो रिलेशन है उसको अगर आप इंपॉर्टेंस देंगे या समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी कहीं फासिस्ट जो आइडियोलॉजी है वो प्रमोट होती है तो स्टेट का बिहेवियर कैसा हो जाता है, तो दो मॉडल जो थे, एक इटली वाला मॉडल था, एक जर्मनी वाला मॉडल था, वो दोनों मॉडल आप देखेंगे तो दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था। इटली वाला जो था ज़्यादा टोटलिटेरियन स्टेट था, और जो नाजी वाला मॉडल था जर्मनी वाला वो रेस बेस्ड था, कि उस बेस पे था। आज के समय में अब कैसे हमें ये देखना पड़ेगा कि आज के समय में हम किसी स्टेट को अगर फासिस्ट स्टेट बोलते हैं तो क्या बातें होती हैं। फासिज्म की जो एक और खास बात है वो है कि ये रीजन पे यकीन नहीं करता, ये लोगों के पैशन पे यकीन करता है, कि लोगों का जो मतलब विश होगी या विल होगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके रीजन से। तो कहीं भी जहाँ पे लोगों को लगता है कि अब
रूल ऑफ लॉ नहीं है या रीजन नहीं है या रीजन बेस्ड शासन नहीं हो रहा है, थोड़ा पागलपन वाला शासन हो रहा है, जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं, तब लोग उसको फासिस्ट स्टेट बोलने की कोशिश करते हैं, फासीवाद राज्य बोलने की कोशिश करते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि जहाँ पे भी थोड़ा पागलपन वाला लगे कि ये रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं हो रहा है, या जो बेसिक मोरलिटी है वो फॉलो नहीं हो रही, तो ऐसे राज्य को ये लोग फांसीवादी राज्य या फासिस्ट स्टेट बोलने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही देखते रहें।